डीएसपी गोपाल कृष्ण इस्लामपुर में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दिया, इस्लामपुर पुलिस एक देसी कट्टा व एक खोखा बरामद किया एवं 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। सोमवार को इस्लामपुर में डीएसपी गोपाल कृष्ण ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दिया, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बीरा कुबर में गोलीबारी हुआ था। इस मामले को लेकर इस्लामपुर पुलिस ने कार्रवाई किया है। इस दौरान छोटे चौहान जितेंद्र कुमार एवं पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि एक देसी कट्टा एक खोखा पुलिस ने बरामद किया। क्या कुछ कह रहे हैं डीएसपी गोपाल कृष्ण, जरा सुनिए। कल दिनांक 21/7/2024 को ग्राम बीरा कुंवर में दो बच्चों के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया। मामले की जानकारी मिलते ही इस्लामपुर थाना मौका वारदात पर पहुंची और वहां पर ग्रामीणों से चौकीदार से पूछताछ करने के बाद यह पता चला कि दो पक्षों के बीच शादी विवाह के बात को लेकर गोलीबारी हुई और इसी एवज में इस्लामपुर थाना कांड संख्या 395/24 दर्ज किया गया और इसी अनुसंधान के क्रम में कल रात को छापेमारी भी की गई और छापेमारी में कुल 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 छोटे चौहान हैं, जितेंद्र कुमार हैं और पिंटू कुमार हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और एक चौथे हैं विधि निर्वाह बालक, जिन्हें निरुद्ध किया गया और एक जो पांचवें हैं इसमें अरुण चौहान, उनके खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और प्रयासरत है। और मौका वारदात से जो बरामदगी हुई है उसमें एक देसी कट्टा है और एक फायर किया हुआ खोखा है। कितना चक्र गोलियां चली सर? 3 बार दोनों ओर से चली। जी हाँ, दोनों ओर से चली। वधु पक्ष कहाँ के थे, वर पक्ष कहाँ के थे? लड़की पक्ष जो है वो इस्लामपुर से ही, जहाँ घटना हुआ है वीरा कुंवर गांव, और जो लड़के पक्ष हैं वो लोग परवरपुर में स्थित फतेहपुर गांव से हैं।